हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। टॉपिक है अनवीकरणीय ऊर्जा। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे वह शिक्षण पाठ योजना, और जो पाठ योजना हमारी होती है उसी का नंबर हम उसके आगे लिख देते हैं। इसके बाद हम डालेंगे दिनांक, विद्यालय का नाम, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र और कालांश। अब हम अपनी इन बेसिक एंट्रीज़ को भी फिल कर लेंगे। जिस दिनांक में हम अपना लेसन प्लान पढ़ाएंगे उस दिनांक को हम यहाँ मेंशन करते हैं। इसके बाद आता है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय से हम अपनी मैक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं उस विद्यालय को यहाँ मेंशन करते हैं। विषय विज्ञान, प्रकरण अनवीकरणीय ऊर्जा, कक्षा 10C, चक्र 5, कालांश 35 मिनट। कालांश का जो टाइम ड्यूरेशन है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, कहीं कहीं 45 मिनट्स का भी होता है। ये जो मैं आपको टाइम टेबल बता रही हूँ ये आगरा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। इसके बाद हम तीन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में जो हमारा टॉपिक रहता है, हमारा टॉपिक है अनवीकरणीय ऊर्जा, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे। शिक्षण उद्देश्य हमारे छह रहते हैं। वन बाई वन में सारे आपको उद्देश्य एक्सप्लेन करूंगी। नंबर वन पर है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पर है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। थर्ड अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ पॉइंट है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ नंबर पे है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। सिक्स नंबर पे है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें आएगा छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसी के साथ साथ थर्ड कॉलम है विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। विधि में लिखेंगे व्याख्यान प्रदर्शन विधि, प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, सहायक शिक्षण सामग्री में लिखेंगे विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट पेज का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आएंगे सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर सबसे पहले रहेगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आएगी प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम दो कॉलम बनाएंगे। पहला रहेगा छात्र अध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। अब हम इसकी प्रस्तावना निकालेंगे अपने टॉपिक की। पहला प्रश्न रहेगा छात्रों आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे पैदल चलकर, साइकिल, कार इत्यादि से जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कार किससे चलती है? तो बच्चे जवाब देंगे कार पेट्रोल से चलती है। थर्ड क्वेश्चन आएगा पेट्रोल कितने समय तक चलती है? तो बच्चे जवाब देंगे पेट्रोल एक समय पर आकर ख़त्म हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन वह उत्पाद जो एक समय पर ख़त्म हो जाते हैं विज्ञान की भाषा में क्या कहलाते हैं? तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और ये आपकी समस्या निकल आएगी। इसके बाद आप एक उद्देश्य कथन देंगे। उद्देश्य कथन में लिखा जाएगा आज हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम आएंगे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण लिखने के बाद हम तीन कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्र अध्यापिका कथन। शिक्षण बिंदु में आएगा अनवीकरणीय ऊर्जा। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में 6 परिवर्तन आएंगे। हम वन बाई वन सारे परिवर्तन देखेंगे। नंबर वन पर रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड पर है आप बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पर है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। फिफ्थ है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी।
सिक्स पॉइंट है अभिरुचियात्मक उद्देश्य है, इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। फिर आएगा थर्ड कॉलम छात्राध्यापिका कथन, उसके ठीक सामने बनाएंगे छात्र क्रिया, फिर विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री और श्यामपट कार्य। अब आप देख सकते हैं छात्र क्रिया वाले में सबसे पहले हेडिंग रहेगी विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, लकड़ी जलने पर क्या बचता है? तो बच्चे जवाब देंगे कोयला और राख बचती है। दूसरा क्वेश्चन, कोयला ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे। विधि प्रविधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से आपने प्रश्न किए और बच्चों ने आपको उनके उत्तर दिए, तो विधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसी के साथ साथ आएगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में आपका जो कंटेंट है अनवीकरणीय ऊर्जा, वो आपको एक्सप्लेन करना है और छात्राध्यापिका कथन वाले कॉलम में लिखना है। छात्र क्रिया में जब आप छात्राध्यापिका कथन लिख रहे होंगे तो इधर लिखा जाएगा छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि जब आप बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, उनको समझेंगे। इसी के साथ साथ विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री में, ये जो सहायक शिक्षण सामग्री वाला कॉलम है, इसमें आपको एक TLM यूज करना है। ऊपर लिखा जाएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि, आप इधर देख सकते हैं इधर है सहायक शिक्षण सामग्री। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, ये कुछ स्रोत हैं जो अनवीकरणीय ऊर्जा के हैं, जैसे कि पहला दिखाया गया ऑयल, दूसरा नेचुरल गैस, तीसरा न्यूक्लियर एनर्जी और थर्ड नंबर पे कोल। ये वह सारे स्रोत हैं जिन्हें आप एक समय पर आकर के इस्तेमाल करेंगे और वो ख़त्म होने की कगार पर आ जाएंगे। साथ ही साथ इधर रहेगा श्यामपट कार्य का कॉलम, आप देख सकते हैं श्यामपट कार्य के कॉलम में आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर जो अब जब आप बच्चों को टॉपिक समझा रहे होंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिन्हें आप सिर्फ बोल करके नहीं बता सकते हैं, उन्हें आपको बच्चों को बोर्ड पर लिख करके समझाना होगा। वही जो पॉइंट आप बोर्ड पर लिखेंगे उसकी एक मिनिएचर फॉर्म आपको यहाँ फाइल में पेस्ट करनी है एक ब्लैक कलर के पेपर पर, वो आ जाएगा आपका श्यामपट कार्य में। इसके बाद हम आएंगे एंड के पेजेस पर। एंड के पेजेस में फ्रेंड्स हम तीन कॉलम जो हमारे पहले थे वही कंटिन्यू करने हैं। जब हम पूरा छात्राध्यापिका कथन बच्चों को दे देंगे, जब हम बच्चों को टॉपिक समझा देंगे, अब बच्चों को कितना समझ में आया है वो जानने के लिए अब आएंगे बोधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा अनवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर में आएगा वह संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन, अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण बताइए। तो बच्चे यहाँ पर उदाहरण देंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। विधि प्रविधि सहायक शिक्षण वाले कॉलम में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों को प्रश्न पूछ रहे हैं और बच्चे आपको उनके उत्तर दे रहे हैं। इसके बाद आएगा पुनरावर्ती कार्य। पुनरावर्ती कार्य बेसिकली क्या रहता है, आपने बच्चों को पढ़ा दिया, आप बच्चों का रिवीजन कराएंगे। रिवीजन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो, मैचिंग हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो। तो यहाँ पे मैंने सही गलत रखे हैं। पुनरावर्ती कार्य करने के लिए आपको दो कॉलम बनाने होंगे, एक छात्राध्यापिका क्रिया और दूसरा छात्र क्रिया। आप देख सकते हैं ये सारे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर रखे हैं, आप इन सबको यहाँ रखेंगे सही गलत में। इसके बाद पुनरावर्ती कार्य के बाद आएगा कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। जब आप बच्चों को कहेंगे बोर्ड पे से आप अपना काम नोट कर लीजिए, जो मैंने बोर्ड पे लिखाए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में ने लिखी है, तो आप चेक करेंगे कि बच्चे उन्हें सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, या फिर लिख भी रहे हैं या फिर कुछ और काम में व्यस्त हैं। तो ये हो गया कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य, इसमें छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य में आएगा अनवीकरणीय संसाधनों का जीवन चक्र कितना होता है ये ज्ञात करें। आप बच्चों को एक होमवर्क दे दें छोटा सा, जिससे बच्चे इंटरेस्ट के फॉर्म में कर लें, उन्हें बर्डन महसूस ना हो। फिर आएगा पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। जो पर्यवेक्षक आपको क्लास में बैठ करके ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो यहाँ पे आपको एक रिमार्क क्लिक करके देंगे आपने कैसा परफॉर्म किया क्लास में, उसी के साथ साथ वो यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देंगे। इसी के साथ साथ हमारा लेसन प्लान फॉर अनवीकरणीय संसाधन कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन थैंक यू।